फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पे। टुडे वी हैव सिलेक्टेड टेस्ट नंबर 73 पार्ट 2 ऑफ द कम्युनिटी एंड हेल्थ नर्सिंग। फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 2 है कम्युनिटी एंड हेल्थ नर्सिंग, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग से। और इसके पहले हमारा कम्युनिटी एंड हेल्थ नर्सिंग से पार्ट 1 आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करके सभी टेस्ट सीरीज देख सकते हैं, क्योंकि हम एक डेली टेस्ट सीरीज अपलोड करते हैं जो आपकी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये क्वेश्चन सिलेक्टिव क्वेश्चन है और एग्जाम्स में यहाँ से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन है। और ये जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं ये सभी नर्सिंग एग्जाम्स में अब तक पूछे गए क्वेश्चन हैं। यही वो क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं फ्रेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन पर और अपना आंसर बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट किया करें, इससे आपका टेस्ट कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, क्योंकि सभी परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी और आपको पता है जितने भी परीक्षाएं हैं अब सारी ऑनलाइन हो रही हैं, इसलिए आपको इसी तरह एग्जाम्स में मिलेंगे क्वेश्चन जिस तरह हम आपको आपके लिए सिलेक्ट करते हैं। तो आप बता सकते हैं टाइम से पहले अपना आंसर बता सकते हैं आप। यहाँ पर लिखा हुआ है चिकनगुनिया फीवर किसके द्वारा फैलता है। चिकनगुनिया फीवर इज स्प्रीड या कास्ट बाय, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपना आंसर बताएं। क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है इसका फ्रेंड बी, एडीज एजेफ्टी मॉस्किटो के द्वारा या मच्छर के द्वारा चिकनगुनिया फीवर फैलता है। ऑप्शन क्या है इसका? बी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। यहाँ पर आप डिटेल थोड़ा पढ़ सकते हैं। इस तरह लिखा जाएगा एडीज एजेफ्टी मॉस्किटो, इसके जो लक्षण होते हैं सिम्टम्स होते हैं तेज बुखार, हाथ और हाथ पैरों के जोड़ों में दर्द होता है, जो ज्वाइंट होते हैं वहाँ पर क्या होता है, हैंड और फीट के जोड़ों में ज्वाइंट होते हैं वहाँ पर पेन होता है, दर्द होता है। आप यहाँ पर समझ सकते हैं। एडिशनल जानकारी आपके लिए यहाँ पर पढ़ लें, द सिम्टम्स ऑफ द चिकनगुनिया वायरस। अगर एक क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है चिकनगुनिया किसके द्वारा फैलता है, जब भी वायरस बैक्टीरिया फंगल इस तरह दिया होगा तो आपका आंसर होगा वायरस के द्वारा फैलता है, लेकिन मोस्टली मच्छर पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। सिमिलर टू डोज ऑफ द डिसीजेस सच एज द डेंगू फीवर, ये सेम टू सेम डेंगू फीवर की तरह होता है। और डेंगू फीवर भी किसके काटने से फैलता है? एडीज एजेफ्टी मच्छर के काटने से फैलता है। दो क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं, चिकनगुनिया जो फीवर होता है वो किसके द्वारा? एडीज एजेफ्टी मच्छर के द्वारा। दूसरा बनता है डेंगू फीवर किसके द्वारा, तब आप बताएंगे वो भी एजिप्ट एजेफ्टी के द्वारा। इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो लगभग लगभग समान होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं। यही सिम्टम्स डेंगू फीवर के होते हैं और यही सिम्टम्स चिकनगुनिया के होते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं द सिम्टम्स नॉर्मली अपीयर जस्ट अ फ्यू डेज आफ्टर अ मॉस्किटो हैज बाइटन एंड इंडिविजुअल, जब किसी व्यक्ति को ये एडीज एडेप्टिव मच्छर काट लेता है तो उसके कुछ दिन बाद क्या होता है, या फ्यू एक दो वीक में, एक भी वीक बाद क्या होता है, उसके लक्षण समझ में आने लगते हैं। होता क्या है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर फीवर, जो होता है बहुत हाई ज़्यादा हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको फीवर हो जाता है। लगभग कितना हो जाता है? 104 फारेनहाइट, 104 फारेनहाइट से क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, 104 फारेनहाइट से ज़्यादा हो जाता है। तो ये डेंगू और ऐसा डेंगू में भी होता है और चिकनगुनिया में भी होता है, ये लक्षण इसके जैसे सेम होते हैं। और दोनों में जो कॉमन चीज़ है वो क्या है, डेंगू, वो एडीज एजेफ्टिव मच्छर ही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंडर 5 क्लिनिक का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है, बताएं अपना आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोगो ऑफ द अंडर 5 क्लिनिक, आंसर है इसका सी। क्या है आंसर? सी, ट्राइंगल के शेप में होता है। अंडर 5 क्लिनिक का जो सिंबल होता है वो किस तरह होता है? ट्राइंगल के शेप में होता है। आप यहाँ पर डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। लिखा है अंडर 5 क्लिनिक इज अ रिप्रेजेंटेड बाय द ट्रेडिशनल लोगो ऑफ द ट्राइंगल विद द फोर्थ इंटरनल ट्राइंगल एंड द आउटर इनवेलप ट्राइंगल्स, इस तरह होता है इसका सिंबल्स। इसमें एक नीचे की ओर ट्राइंगल होता है, यहाँ पर ज्वाइंट होते हैं, एक ऊपर की ओर मान लिया जाता है इस पर ट्राइंगल। आप ध्यान दें, इस तरह इसका अंडर 5 क्लिनिक का क्या होता है, सिंबल होता है इस तरह। ठीक है, एक ये ट्राइंगल इधर बन जाता है, एक इधर बनता है, एक इधर बनता है। ठीक है, इस तरह क्या होंगे, इसके सिंबल्स होते हैं अंडर 5 क्लिनिक में, ये ट्राइंगल के शेप में होता है। और ट्राइंगल का शेप कैसा होता है, तीन भुजाएं होती हैं, तीन साइड होती हैं, इस तरह ये ट्राइंगल शेप है। ये अंडर 5 क्लिनिक का क्या है, लोगो है या सिंबल है। एम्स क्या होता है, एक्टिविटी केयर इन इलनेस, चिल्ड्रंस आर ट्रीटेड फॉर द एक्यूट और द क्रोनिक इलनेस, जो एक्यूट डिसीजेज होती हैं, क्रोनिक डिसीजेज होती हैं, इसके प्रति क्या अवेयरनेस करना और बताना। एंड द एलिमेंट ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दीज क्लिनिक, जी यहाँ पर कट कर दें आप, ये चीज़ें इसके इसमें किया जाता है, किसमें, अंडर 5 क्लिनिक में। आपका लोगो ध्यान रखना है कैसा होता है, ट्राइंगल शेप में होता है अंडर 5 क्लिनिक का। इसमें क्या होते हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं और भी
एक बाहर से होता है, चार अंदर होते हैं इसमें, ठीक है, ट्राइंगल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहां पर थ्री, पढ़ लें अपना आंसर बताएं। ये लिखा है हेल्थ, ये लिखा है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी को और किस नाम से जाना जाता है? बाई व्हाट नेम इज द हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी नोन? क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है इसका फ्रेंड्स ए, मुदालियर कमेटी, मुदालियर कमेटी के नाम से जाना जाता है। मैंने इसका ए, यहां पर देख लें हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी का जो नाम होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, या इसका दूसरा नाम क्या है, तब आप बताएंगे। मुदालियर कमेटी, यहां पर इंग्लिश में आप देख सकते हैं, आपसे इतना ही एग्जाम्स में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर है यहां पर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर पढ़ें और अपना आंसर बताएं, और आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये भी आप बताए करें कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर फोर पे लिखा है एक आशा कितनी जनसंख्या को कवर करती है? हाउ पॉपुलेशन डज आशा कवर? कितनी जनसंख्या को कवर करती है बताएं अपना आंसर। ऑप्शन है इसका फ्रेंड सी, 1000 पॉपुलेशन को कवर करती है, 1000 पॉपुलेशन को। एक जो आशा बहु होती है, जो आशा होती है उन्हें गांव में आशा बहु के नाम से जाना जाता है, कितनी पॉपुलेशन को कवर करती है? वो 1000 पॉपुलेशन को कवर करती है, 1000 जनसंख्या को कवर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलता जुलता इसी से, आपको देखना है क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है एग्जाम्स में। एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कितनी जनसंख्या पर नियुक्त की जाती है? क्वेश्चन लिखा है हाउ मच पॉपुलेशन इच एन आंगनवाड़ी वर्कर अपॉइंटेड? क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन इसका भी सी है, 1000 पॉपुलेशन पर नियुक्त की जाती है, 1000 पॉपुलेशन को कवर करती है। क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कितनी जनसंख्या को कवर करती है, तब आप बताएंगे 1000 जनसंख्या को, 1000 पॉपुलेशन को कवर करती है एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, या नियुक्त किया जाता है कितनी जनसंख्या पर, तब भी आपका आंसर क्या होगा, 1000 जनसंख्या पर नियुक्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ सिक्स पढ़ लें और अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स पे लिखा हुआ है एनम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के बीच कौन सा स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक कड़ी के रूप में कार्य करता है? विच हेल्थ वर्कर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द एनम एंड आंगनवाड़ी कार्य वर्कर जो होती है, जो आंगनवाड़ी वर्कर होती हैं और एनम होती हैं, आंगनवाड़ी और एनम के बीच में जो लिंक का काम करती हैं, बिटवीन द लिंक्स, तो कौन करता है इसके लिंक का कार्य? आसान होगा इसका बी फ्रेंड्स, आशा बहू जो होती हैं वो लिंक के रूप में कार्य करती हैं, आशा बहु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहां पर सेवन, आप पढ़ सकते हैं और अपना आंसर बता सकते हैं। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का घटक नहीं है? यहां पर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं जो एनआरएचएम का नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन? क्या होगा आंसर इसका, कमेंट करें अपना आंसर। ऑप्शन है इसका फ्रेंड्स यहां पर देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर, ऑप्शन है इसका फ्रेंड्स बी। क्या है ऑप्शन इसका? बी, अंडर फाइव क्लिनिक। क्या है ये? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत नहीं आता, या इसके घटक नहीं है, कंपोनेंट नहीं है। ऑप्शन है इसका बी। बाकी जो सभी दिए, जनरल सुरक्षा योजना, आशा, RHCS प्रोग्राम, ये क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आते हैं, या इनके घटक हैं या कंपोनेंट हैं। ओके, यहाँ पर जो अंडर फाइव क्लिनिक है ये इसका घटक या कंपोनेंट नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका कंपोनेंट नहीं है, किसका? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का। क्वेश्चन नंबर है एट पढ़ लें और अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर एट पे लिखा है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन? क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है इसका डी, 100% टीकाकरण कवरेज, वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन कवरेज करना, शिशु मृत्यु दर को कम करना, सी नंबर पे लिखा है संक्रामक एवं असंक्रामक बीमारियों को नियंत्रित करना। इसलिए ऑप्शन क्या होगा इसका? डी ऑप्शन सही है। संक्रामक मतलब होता है जो इन्फेक्टेड डिसीजेज या डिसइन्फेक्टेड डिसीजेज, इनको क्या करना है, कंट्रोलिंग करना। ये किसका कार्य होता है, ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर नाइन, काफी इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस मोस्टली स्टाफ नर्स एएनएम जेएनएम सीएचओ के बेस्ड पर आधारित क्वेश्चन है, जो भी अभी तक पूछे गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी एग्जाम सभी हाल ही में है। लिखा है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया था? व्हेन वाज द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च्ड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन? अपना आंसर बताएं, क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है इसका बी, अप्रैल 2005 में इसे क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। ऑप्शन है इसका बी।
इसलिए आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। क्वेश्चन नंबर है यहां पर 10, पढ़ लें अपना आंसर बताएं। ये लिखा है ग्राम स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द विलेज हेल्थ स्कीम, क्या है उद्देश्य। ऑप्शन है इसका डी, ऑल ऑफ दी, छोटी उम्र में जो लड़कियों की या लड़कों की शादी होती है इसे रोकना। नंबर टू पे, बी नंबर पे लिखा जन्म और मृत्यु पंजीकरण कराना, मतलब जो बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन को करवाना, ठीक है, ये इनका कार्य होता है या उद्देश्य होता है, या अवेयरनेस फैलाना या लोगों को बताना। फिर लिखा शिशु और मृत्यु दर को कम करना, जो इन्फेंट और मैटरनल डेथ होती है इसको क्या करना, रिड्यूसिंग करना, कम करना, ये इसका कार्य होता है। किसका, ग्राम स्वास्थ्य योजना का, इसलिए ऑप्शन क्या है इसका, डी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसी तरह के क्वेश्चन मोस्टली एएनएम स्टाफ नर्स सीएचओ में बहुत पूछे जाते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से। ओके, ये टॉपिक कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर जैसे क्वेश्चन नंबर 11, टीकाकरण रोकथाम के किस स्तर में आता है, टीकाकरण जो वैक्सीनेशन होता है वो रोकथाम के किस स्तर में आता है। ऑप्शन क्या होगा इसका, व्हाट लेवल ऑफ प्रिवेंशन डज वैक्सीन ब्रिंग। ऑप्शन है इसका ए, प्राथमिक लेवल पे आता है, या प्राइमरी, किस में आता है, किस स्तर पे आता है, ये प्राथमिक स्तर पे आता है। जो टीकाकरण रोकथाम होता है वो किस स्तर का होता है, प्राथमिक या प्राइमरी का है, हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लें आप। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 12, पढ़ लें और अपना आंसर बताएं। निम्न में से कौन सा केमिकल डिस इन्फेक्शन, इसका मतलब होता है असंक्रामक का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल डिस इन्फेक्शन, क्या होगा आंसर इसका। ऑप्शन है इसका फ्रेंड सी, ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन क्या होगा इसका, सी, ब्लीचिंग पाउडर के कई कार्य हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पर केमिकल डिसइन्फेक्शन का जो उदाहरण है वो ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है। हिंदी में इसे विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विरंजक चूर्ण। तो ध्यान रखना है आपको, विरंजक चूर्ण भी कभी कभी हिंदी में लिख किया जाता है, ठीक है, तो विरंजक चूर्ण के नाम से इसे ही जाना जाता है। इसका जो केमिकल फार्मूला होता है CaOCl2 होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड CaOCl2, ये इसका केमिकल फार्मूला होता है, किसका, ब्लीचिंग पाउडर का, और इसे विरंजक चूर्ण के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जब आपको डिटेल समझ में ना आए तो कम से कम उतना जरूर करें जितना ऑप्शन में लिखा है, एग्जैक्ट आंसर कम से कम इतना आपको आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, आप 30 नंबर पर पढ़ सकते हैं, अपना आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन 30 नंबर, डिस इन्फेक्शन के रूप में सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला हैलोजन कौन सा है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन यूज्ड हैलोजन एज डिस इन्फेक्शन अकॉर्डिंग टू, ऑप्शन अपना आंसर बताएं। ऑप्शन है इसका बी, क्लोरीन, क्या है ऑप्शन बी, क्लोरीन को सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है डिस इन्फेक्शन के रूप में, एक प्रकार का हैलोजन होता है, हैलोजन से एलिमेंट्स माने जाते हैं ये। ऑप्शन है इसका बी, इसका जो केमिकल्स नाम होता है इस तरह इसका सिंबल होता है Cl, क्या होता है Cl, क्लोरीन को कहा जाता है Cl। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14, पढ़ लें और अपना आंसर बताएं। निम्न में से कौन सी बीमारी हाउस फ्लाई के कारण नहीं होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज नॉट कास्ड बाय हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई के द्वारा कौन सी डिसीज नहीं होती है, कई बार हमने बताया है, आप बताएं कौन सी डिसीजेज नहीं होती है। ऑप्शन है इसका सी, ट्रेंच फीवर जो होता है ये हाउस फ्लाई के कारण नहीं होता है, बाकी जो सभी लिखी हुए हैजा, दस्त लगना, कॉलरा, डायरिया, देख लीजिए यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि हिंदी को भी कभी कभी इंग्लिश में भी एक ही तरह लिख दिया जाता है, डायरिया को डायरिया लिख दिया जाता है, या दस्त बहुत कम आता है एग्जाम्स में, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है आपको ये ऑप्शन मिल सकते हैं, ऑप्शन सी है जो गलत है, जो हाउस फ्लाई के माध्यम से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लियर हो जाएगा ट्रेंच किसके द्वारा होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से ट्रेंच फीवर किसके कारण होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेंच फीवर, या कास्ट बाय ट्रेंच फीवर किसके द्वारा होता है ट्रेंच फीवर। ऑप्शन है इसका डी, यहां पर हिंदी में लिखा है जू जनित, या कहेंगे लाउस बॉर्न, इंग्लिश में कहेंगे लाउस बॉर्न। ट्रेंच फीवर क्या होता है, लाउस बॉर्न डिसीज है एक प्रकार का, लाउस मतलब क्या होता है, जो जुए हो जाते हैं सिर में ना, इसकी वजह से ट्रेंच फीवर हो जाता है। मोस्ट एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है कि ट्रेंच फीवर के लिए क्या जिम्मेदार है, तो आपको बताना है या किसके माध्यम से होता है, लाउस बॉर्न डिसीजेज है, मतलब जुओं के माध्यम से होती है। ये लाउस लिखा हुआ है, कभी कभी ऑप्शन में आपको लाइस मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, लाइस, लाउस ये सिंगुलर पर्सन है, ये सिंगुलर है और इसका प्लूरल ये लिखा हुआ है, सिंगुलर मतलब एक वचन, ये बहुवचन लिखा हुआ है, मतलब जुओं के माध्यम से फैल जाता है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है लाइस, LIS
सी ई हो सकता है, क्या एल आई सी ई जुओं के माध्यम से फैलता है। मोस्टली आपको लाउस मिल जाएगा, अगर ना हो तब लाइस इसका प्लुरल नाम होता है, इसी का दूसरा नाम, ठीक है, दूसरा नाम कहें आप, ये इसका इसका मतलब होता है बहुत सारे जुए। ओके यहां पर देख सकते हैं काफी अच्छी डिटेल्स लिखी है आपके लिए, ये लिखा है बार्टोनेल क्वेंटिना इन्फेक्शन हिस्टिकली कॉल्ड ऑफ दी, इसको कहा जाता है ट्रेंच फीवर। जो यहां पर लिखा हुआ है आप पढ़ लें अच्छे से, ये लिखा है बार्टोनेला, ये लिखा है क्विंटेना, इतनी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है मोस्टली, ये किसके कारण होता है तब आप बताएंगे ट्रेंच फीवर इसी की वजह से हो जाता है, ट्रेंच फीवर इसी की वजह से हो जाता है। इज अ वेक्टर बॉर्न डिसीज, एक प्रकार की वेक्टर बॉर्न डिसीज है, प्राइमरी ट्रांसमिटेड बाय द ह्यूमन बॉडीज लाउस, ह्यूमन बॉडी में जो लाउस पाए जाते हैं उनका नाम है पेडिकुलस ह्यूमनस ह्यूमनस, ये इनका साइंटिफिक नेम है, ठीक है, किसका लाउस का, ये पूरा नाम इस तरह कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, जो ह्यूमन बॉडी में मनुष्य की बॉडी में ये लाउस पाए जाते हैं इसी की वजह से ये हो जाता है, ठीक है, इसे जू जनित बीमारियों के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी वजह से क्या हो जाता है ट्रेंच फीवर। इसके जो सिम्टम्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान दें, इसमें क्या होता है लोग बीमार पड़ते हैं ओरिजिनली विद क्या होता है रैसेज जा जाते हैं। हुआ क्या था समरी हम बता देते हैं आपको, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, तो जो लोग युद्ध में कार्यरत थे, जो लोग युद्ध में थे बहुत दिनों तक वो लोग नहाते नहीं थे, तो गंदगी की वजह से क्या होता उनके सिर में बॉडी में क्या होते थे जुमे हो जाते थे, और जब वो खुजलाते थे अपनी खोपड़ी को या बॉडी के पार्ट को तो क्या होता बहुत ज़्यादा रैसेज हो जाते हैं, रेडनेस आ जाती थी और कई प्रकार के फंगल्स हो जाते थे, इस वजह से ये ट्रेंच फीवर हो जाता था, और इसी ये नाम वहीं से पड़ा था ट्रेंच फीवर। ओके और ये होता किसके माध्यम से, जुओं के माध्यम से, या लाउस बॉर्न डिसीज कहें या लाइस बॉर्न डिसीज कहें, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ था तब जो लोग बहुत दिनों तक, क्योंकि ये युद्ध सालों चलते रहते थे तो लोग महीनों नहाते ही नहीं थे, ठीक है, इस वजह से ये हो जाता था। और किनको किनको हो जाता है ये चीज़ देख लें यहाँ पर, ये मोस्टली जो होमलेस बच्चे होते हैं, बेघर बच्चे होते हैं, कई घर देखा होगा जो भीख मांगते हैं, बेघर होते हैं, बहुत दिनों तक नहाते नहीं, उनमें ये मोस्टली पाए जाते हैं, क्या ये जुए या लाइस या लाउस, और जो लोग शराब दारू एल्कोहल पीते हैं उनको हो जाता है मोस्टली, ये जो पुअर पॉपुलेशन होती है गरीब जनसंख्या में मोस्टली ये पाए जाते हैं, ठीक है, उनको ये फीवर मोस्टली हो जाता है, कौन सा ट्रेंच फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर हमारा 16, उम्मीद है समझ गए होंगे आप, क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है पाश्चुरीकरण प्रक्रिया द्वारा क्या शुद्ध किया जाता है, व्हाट इज द प्यूरिफाइड बाय द पाश्चुरेशन प्रोसेस, क्या होगा आंसर इसका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपना आंसर बताएं। 16 नंबर पे लिखा हुआ है पढ़ लें, ऑप्शन है इसका ए पाश्चुरीकरण, जो पाश्चु ये लिखा है हिंदी में पाश्चुरीकरण जो प्रोसेस होता है ना, पाश्चुराइजेशन इंग्लिश में कहा जाता है, इससे दूध को शुद्ध किया जाता है, किसको मिल्क को, ऑप्शन इसीलिए इसका है ए। देख लें यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर दूध को यहाँ पर गर्म किया जाता है ताकि इससे जो बैक्टीरिया हैं वो मर जाएं, जो पैथोजेंस पाए जाते हैं इनको खत्म कर दिया जाता है और दूध की लाइफ को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, इस प्रोसेस में जो पाश्चुराइजेशन किया जाता है, जो मिल्क को गर्म किया जाता है वो 71.7 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म किया जाता है, लगभग 15-20 सेकेंड तक, ठीक है, फिर इसको क्या किया जाता है अचानक इसे ठंडा कर दिया जाता है 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है, ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं पाश्चुराइजेशन कहते हैं, और इसकी खोज किसने की थी बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में, तब आप बताएंगे लुईस पाश्चर ने की थी, किसने लुईस पाश्चर ने की थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दूध को 65-70 डिग्री तक गर्म किया जाता है, ध्यान रखें मोटी मोटी बात, 65-70 डिग्री ये फारेनहाइट नहीं है, डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, फिर इसके बाद अचानक इसे 5 डिग्री या 5 से नीचे 3-5 डिग्री सेल्सियस के नीचे ला दिया जाता है, इसे ठंडा कर दिया जाता है, इससे क्या होते हैं इसमें जो हार्मफुल बैक्टीरियल फंगस होते हैं वो क्या होते हैं खत्म हो जाते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 पढ़ लें अपना आंसर बताएं, हॉट एयर ओवन का तापक्रम लगभग कितना होता है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ हॉट एयर ओवन, ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन है इसका सी फ्रेंड्स 160 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस फारेनहाइट पे काफ़ी डिफरेंस होता है, ध्यान रखें यहाँ पर ऑप्शन होगा इसका सी 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हॉट ओवन का यूज किया जाता है, या इसका टेम्परेचर कितना होता है 160 डिग्री होता है, आप यहाँ पर रेंज पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर मेंशन होती है, आप ध्यान दें यहाँ पर, यहाँ से 1.5 से 2 घंटे तक इसे गर्म किया जाता है, इसका जो टेम्परेचर होता है 160 डिग्री सेंटीग्रेड ये सेल्सियस लिखा है, और फारेनहाइट में अगर बात करेंगे तो 320 फारेनहाइट होगा, ये 6 से 12 मिनट तक इसे क्या किया जाता है गर्म किया जाता है, शुरुआती जो टेम्परेचर होगा वो 160 होता है, अगर रेंज में बात करें तो 160 से 190 के बीच में टेम्परेचर होगा इसका, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है 160 से
160 से कितना होगा 190 के बीच का इसका टेम्परेचर होगा। जब शुरुआती टेम्परेचर 160 होगा, फिर इसके बाद इसे जब 6 से 12 मिनट तक गर्म करेंगे तब इसका टेम्परेचर बढ़कर हो जाता है 190। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, इसके द्वारा किया क्या जाता है, इसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हॉट इवेंट के माध्यम से इन्हें क्या किया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। जितने प्रकार के बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं इन्हें खत्म कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। द ओवन यूज द कंडक्शन ऑफ द एस्टलाइज आइटम्स बाय द हीटिंग एंड आउटसाइड सर्फेस ऑफ द आइटम्स विच एब्जॉर्ब द हीट एंड मूव टूवर्ड्स इंसाइड ऑफ द आइटम। इसमें क्या होता है, जो उसके सर्फेस में किसी भी इक्विपमेंट के सर्फेस में जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो खत्म कर दिया जाता है, फिर इसके बाद स्टीमिंग के माध्यम से ये इंसर्ट हो जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है वो इक्विपमेंट, और उसके जो अंदर पाए जाते हैं, सेंटर में पाए जाते हैं, उन बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी खत्म कर देता है। किसके माध्यम से, हॉट इवेंट के माध्यम से। टेम्परेचर कितना होता है, इतना होता है यहाँ पर देख ले 160 से 190 के बीच में, लेकिन एग्जैक्ट आंसर मोस्टली पूछा जाता है 160 आपको बताना होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 पढ़ लें और अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 18 पे लिखा है ड्राई हीट इन्फेक्शन का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द ड्राई हीट इन्फेक्शन। क्या होगा आंसर इसका, ऑप्शन है इसका प्रण डी, जलाना या बर्निंग, ये क्या है ड्राई हीट इन्फेक्शन का एग्जांपल है, बाकी सभी आंसर गलत हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 19 नंबर पढ़ लें और अपना आंसर बताएं। निम्न में से किसे हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से जाना जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज द हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। क्या होगा आंसर इसका, ऑप्शन है इसका फ्रेंड्स बी, क्या है ऑप्शन है इसका बी, फोर कमेटी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आप फिर से पढ़ लें एक बार, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट ऑफ कमेटी किसे कहा जाता है, भोर कमेटी को कहा जाता है। ये यहाँ पर आंसर हमने बता दिया है, भोर कमेटी को कहा जाता है जो क्वेश्चन था, और इसके पहले जो हमने क्वेश्चन बात किया था उसमें था हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी को मुदालियर कमेटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और यहाँ पर डेवलपमेंट दिया गया है प्लानिंग की जगह पर, तो आपको ध्यान रखना है जो प्लानिंग वाला आंसर होगा उसका मुदालियर कमेटी होगा, मुदालियर कमेटी होगा, और जिसमें डेवलपमेंट दिया गया उसमें भोर कमेटी होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है यहाँ पर 20 पढ़ लें और अपना आंसर बताएं। आशा का पूरा नाम क्या होता है, एग्जाम्स में पूछा गया है, बताएं अपना आंसर क्या होगा, ऑप्शन है इसका फ्रेंड्स बी, क्या है ऑप्शन बी, ये लिखा है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ऑप्शन क्या है इसका बी, फुल फॉर्म देख लें, स्पेलिंग देख लें, मोस्टली स्पेलिंग पूछी जाती है, स्पेलिंग पे फोकस करें, ऑप्शन इसका बी होगा। ये आपके लिए एडिशनल जानकारी है, यहां पर पढ़ लें, ये आंसर है, आशा का पूरा नाम लिखा हुआ है आशा का, ये लिखा है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, आशा विल बी अ हेल्थ एक्टिविस्ट इन द कम्युनिटी हु विल क्रिएट द अवेयरनेस ऑन द हेल्थ एंड इट्स सोशल डिटर्मिनमेंट एंड मोबिलाइज द कम्युनिटी एंड टूवर्ड्स द लोकल हेल्थ प्लानिंग एंड इंक्रीज द यूटिलाइजेशन एंड द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग हेल्थ ऑफ द सर्विसेज ये इसका कार्य होता है, अवेयरनेस फैलाना सोशल में, और कई प्रकार के ये जितने भी जानकारी होती है हेल्थ से रिलेटेड प्राइमरी, वो सभी जानकारी आशा के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है या अवेयरनेस फैलाया जाता है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है, आपको कम से कम नहीं कुछ डिटेल समझ में आती तो आशा का फुल फॉर्म कंप्लीट रखें, क्योंकि जो एग्जाम से पूछे जाते हैं हम उनको डायरेक्टली क्वेश्चन में रख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, वेयर वाज द नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम लॉन्च्ड इन इंडिया, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपना आंसर बताएं, ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन इसका डी, 1952 में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम शुरू किया गया था, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, कब, 1952 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखें, ये आपके लिए जानकारी है। यहाँ पर इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, पहली कंट्री बनी थी दुनिया में जिसने राष्ट्रीय फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया था, दुनिया में पहला ऐसा देश कौन सा है जिसने राष्ट्रीय फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया था, ध्यान रखें नेशनल फैमिली प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने वाला दुनिया में जो पहला देश है वो अपना इंडिया है, ठीक है, कब स्टार्ट किया था, 1952 में स्टार्ट किया था, ठीक। फिर लिखा है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिड्यूसिंग द बर्थ रेट, इसका जो उद्देश्य था बर्थ रेट जन्म मृत्यु दर को कम करना, एंड स्टैंडर्ड ऑफ द नेसेसरी टू स्टेबलाइज द पॉपुलेशन एट अ लेवल ऑफ द कंसिस्टेंट विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, जितनी पॉपुलेशन की जरूरत हो इकोनॉमी के हिसाब से उसी तरह उसको इंक्रीज करना या उसी तरह उसको कंट्रोल करना, ये इसका उद्देश्य था, आपको ये बात ध्यान रखनी है, मोस्टली आपको ईयर पूछा जाएगा आपके एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर है 22, ORS में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है, व्हाट डज ORS प्राइमरी इन्वॉल्व या कंसिस्ट ऑफ, क्या कंसिस्ट होता है इसमें, क्या पाया जाता है, ऑप्शन होगा इसका फ्रेंड्स सी,
एग्जाम्स में पूछा गया 2016 में, सोडियम और ग्लूकोज पाया जाता है ओआरएस में मोस्टली। और आपको बताना है सारे जो भी और पदार्थ होते हैं, जो भी सारे सब्सटेंस होते हैं, क्या क्या ग्लूकोज में पाया जाता है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ये बात, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसे अच्छे से कवर करेंगे, लेकिन क्वेश्चन इस तरह पूछा जा चुका है तो इसीलिए हमने इसे इसी तरह सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। ये लिखा है सोडियम और ग्लूकोज इसमें शामिल होता है, किसमें, ओआरएस में मुख्य रूप से, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, इसी तरह ऑप्शन था तो आपको ध्यान रखना है, ये ऑप्शन है इसका सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोडियम और ग्लूकोज इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए यहाँ पर लिखा है इसका पूरा नाम, ओआरएस का पूरा नाम क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट कहीं कहीं लिख किया जाता है, मोस्टली जो ऑप्शन में आएगा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन आता है, ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ऑप्शन वही सही होता है, लेकिन कभी कभी ये दिया जाता है, अगर वो ना हो तब ऑप्शन ये माना जाएगा, लेकिन ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन 100% राइट आंसर होता है, ये बात ध्यान रखना है आपको। और ये किसके द्वारा ये फार्मूला तैयार किया गया था, ये WHO और यूनिसेफ के द्वारा रिकमेंडेड किया गया था, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है ORS इज द बैलेंस्ड मिक्सचर, ये लिखा है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट्स एंड ग्लूकोज का क्या करता है, बैलेंसिंग करता है, एंड रिकमेंडेड बाय दी WHO एंड यूनिसेफ, आपको बताना है WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, ओके। सभी क्वेश्चन हमने पढ़ाए पिछले वीडियो में, आपको बताना होगा इनका आंसर, क्योंकि मोस्टली यहाँ से जब क्वेश्चन पूछा जाता है WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, जरूर बताएं आप, इससे आपका नॉलेज डेवलप होगा और नॉलेज आपका इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य तापक्रम कितना होता है, मोस्टली सभी लोगों ने इसका आंसर सही दिया था, पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्थी एडल्ट, ऑप्शन था इसका फ्रेंड्स सी 98.6 फॉरेनहाइट, ये क्या था इसका, फॉरेनहाइट में टेम्परेचर होता है। और एडिशनल जानकारी आपके लिए ये दी गई है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जब भी आपसे फॉरेनहाइट पूछा जाए तब आप बताएंगे 98.6 फॉरेनहाइट, अगर सेल्सियस में पूछा जाए तब आप बताएंगे 37 डिग्री सेल्सियस, कभी कभी 37 डिग्री ना दिया गया हो तो आपको ध्यान रखना है 36.9 डिग्री सेल्सियस, ये आंसर सही माना जाता है 100%, ओके। अगर ये ना दिया गया हो, जब भी सेल्सियस में बात की जाए तब आपका आंसर ये होगा, लेकिन जो एवरेज बात होती है तो मोस्टली ये दे दिया जाता है एग्जाम्स में, क्योंकि कई एग्जाम्स में हमने देखा है, अनुभव किया है कि नहीं देते, तो आपको ध्यान रखना है 36.9 डिग्री सेल्सियस ये आंसर दिया जाता है एग्जाम्स में मोस्टली, अगर ना दिया हो तब आपको ध्यान रखना है ये मिलेगा फॉरेनहाइट और सेल्सियस में। एक बात और ध्यान रखनी है, जब केल्विन में पूछ लिया जाए बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है तब आपको बताना है 310.15 केल्विन, ये के का मतलब यहाँ पर केल्विन है, ठीक है। अगर डेसिमल में 15 ना मिले आपको तो ध्यान रखना है 310 केल्विन सही आंसर है एग्जैक्ट, वो यहाँ पर बहुत क्लियर आंसर दिया गया है डेसिमल में भी, तो आपको ध्यान रखना है ये बॉडी का टेम्परेचर केल्विन में नापा जाता है, क्योंकि तापक्रम के कई मापने का र्यूमर होता है, सेल्सियस होता है, फॉरेनहाइट होता है, केल्विन होता है, इनसे क्या होता है बॉडी का टेम्परेचर मापा जाता है या बॉडी का टेम्परेचर इनमें कन्वर्ट किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 310 किस में होता है केल्विन में, अगर 310.15 लिखना है 310.15 K आपको इस तरह लिखना है, अगर ना मिले तो 310 आपको मिलेगा, मोस्टली 310 दिया जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर, आपको बताना होगा इसका आंसर क्या है इसका आंसर, और इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, काफ़ी डिटेल समझाएंगे, सभी लोग इसका आंसर जरूर दें। यहाँ पर लिखा है शार्प वेस्ट जैसे सिरिंज ब्लेड और नीडल्स को, जो सुइयाँ होती हैं को किस रंग के बैग में रखा जाता है, सिरिंज एंड ब्लेड एंड नीडल्स आर केप्ड इन विच कलर बैग, किस रंग के कलर बैग में रखा जाता है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपना आंसर बताए, मोस्टली सभी लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। CHO स्टाफ नर्स ANM JNM इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी अदर एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी लोग इसका आंसर जरूर बताएं, वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर बताएं, हो सकता है इसका अभी एक पार्ट और है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उतने ही हम करवा रहे हैं, फालतू के क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। इसमें एक पार्ट और हो सकता है, फिर इसके बाद क्या करेंगे रैपिड हम इसका रिवीजन कराएंगे, ओके। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू।